पुरानी चीजों को रखा है। आ देखो अठे घटी है, ओ अठे हल राखुड़ो है, ठीक है ना। आ अठे चौकनी राखुड़ी है, चौकनी है, आ कई राखुड़ी है अठे, आ घोड़े का लकी झूण के बार राखुड़ी है। मसाला पीसण हारू देख लो हर तरीके का, अगर खीस कूटनो है तो केवटनो और आ चीज राखुड़ी है। पुराने जमाने में तराजू जकी है, ताकड़ी, आ ताकड़ी इस तरीके की होती, ए पुराना होता है, हेरन अदो हेरन ए जगह बाट होता है, इस राखुड़ा है ए इस तरीके हूँ। आ जगह अपने रोटियों रखना रू गरम और आवे टिप्पण जगो, ओ पहला बीड़ू एड़ो होतो थाली होती, मतलब आप देखो के हैंग पीतल का बर्तन है, पीतल का बर्तन होता बीमारी नहीं होती। तो ए देखो भीड़ में आ थाली पीतल की एड़ी होती और ओ देगड़ो जगह में दूध भी जो गर्म करना हारू, ए सुराई होती इस तरीके हूँ। कूड़ियो तो ए मिट्टी रा भी होता और ऊंट रे चमड़े रा भी होता कूड़िया, इस तरीके का सुराई जगी हुए बा। और ओ जगो है कढ़ाई आई हैंग पीतल का होता, पेटियों एड़ी होती है देख लो, और आ एड़ी ढोल की होती। तो डीपीएस में पूरो गांव दिखाई हुआ थे, देखो पूरी हैंग लोकल चीजों है इस तरीके की। आप देखो आज डीपीए के स्कूल में देखो मेड़ो लागूड़ो, ये मेले में हॉन डॉक्टर राहुल बम्मानिया जी जगह शिवम हॉस्पिटल का संचालक है, वे अपने हाथ है। हमें देखो डॉक साहब ने आज की संस्कृति है बड़ी पसंद आई कि छोटा छोटा टबरिया किन तरीके हूँ कपड़ा राजस्थानी पैर और पहनावो है जगो चूड़ो बीजोन और जोरदार पहन आया टबरिया ताकि हमारी संस्कृति है बोने याद रखे कपड़ा कलर वगैरह। आ जगी भाई है आठ है और सारडो है अपने सूप जगह हूँ अनाज साफ करो जगो और पूरी देख लो। ए पढ़ने वाला स्टूडेंट है, ए गाँव रा कोई किसान नहीं है। डॉक्टर साहब ने आ थीम बड़ी पसंद आई तो डॉक्टर साहब उन चर्चा करो कि अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में लोग आरोप लगावे है कि संस्कृति को हनन करे, लेकिन आ डीपीएस में आज देखी जिना आ बात लागी इन तरीके उन संस्कृति लोगों ने दिखाने को प्रयास करे। यूं तो आई लागे है कि वास्तव में इंग्लिश मीडियम स्कूल जगी डीपीएस है आ संस्कृति ने कई तरीके आगे बढ़ावे और जीव तो जाग तो उदाहरण है। डॉक्टर साहब का विचार भी जानो। डॉक्टर साहब नमस्कार। सबसे पहले तो बहुत धन्यवाद, और आप इतना सुंदर राजस्थानी मारवाड़ी में बोलते हैं तो इतना अच्छा वक्ता तो हम नहीं हैं। और आज यहाँ पर डीपीएस स्कूल के ये बाल मेले में आना हुआ और मेरे मित्र जो कि यहाँ के एमडी है श्री प्रदीप जी राठी साहब, तो उन्होंने यहाँ पर बुलाया था, तो उनके आमंत्रण पर जब यहाँ आना हुआ जब मैंने देखा तो वास्तव में हमें भी आश्चर्य हुआ कि एक इंग्लिश मीडियम स्कूल के अंदर जब यहाँ पर राजस्थानी परिवेश और राजस्थानी संस्कृति को इस रूप में इतने सुंदरता के साथ में ये आपने जैसा कि बताया, देखो बच्चों को देखिए ये बच्चियाँ सब टीचर्स और जितने भी यहाँ पर लोग आ रहे हैं, इवन गेस्ट भी मैंने देखा कि वो राजस्थानी पहनावे के अंदर यहाँ आ रहे हैं अपने साफा धोती और कुर्ता वगैरह और इस तरीके से, और महिलाएं जो है लहंगा चुनरी वगैरह। तो ये जो एक अलग ही रूप जो यहाँ पे और इतनी सुंदरता जो देखने को मिल रही है, अभी मैंने देखा भी यहाँ पर ये जो जिस तरीके से ये गट्टी है यहाँ सुपड़ा है और वो हमाम दस्ता वगैरह तो बहुत ही सुंदर है अंदर भैंस बकरी घोड़ा। हाँ बिल्कुल, ये बच्चों के लिए मतलब क्या है कि हम अपनी संस्कृति से आज, वैसे आज किसान दिवस भी है और मैं इस पे भी पूरे सबको मैं इस चीज़ की बधाई भी देना चाहूँगा। और आप देखिए कि ये जो हमारा देश है वो तो कृषि प्रधान देश है, और जो हम कितनी भी उन्नति कर ले लेकिन जब हम अपना जो बेसिक्स हैं जो हमारे उनको हम नहीं छोड़ेंगे, और जो हमारी संस्कृति है जो हमारा परिवेश है उसके साथ हम जुड़ के अगर आगे बढ़ेंगे तो देश और भी ज़्यादा उन्नति करेगा। तो बहुत ही अच्छा लगा आज, मैं एक बार पुनः पूरा धन्यवाद दूंगा श्री प्रदीप जी राठी और पूरी डीपीएस स्कूल की टीम को, टीचर्स को, बच्चों को, और जितने भी प्रबंधन में जो भी मैनेजमेंट में जितने भी लोग यहाँ पे हैं लगे हुए, इतना सुंदर जो इन्होंने आयोजन किया है उसके लिए इनका बहुत बहुत आभार। और राजस्थानी संस्कृति को और हमारी जो संस्कृति को उन्होंने जिस तरीके से शो ऑफ किया है बहुत ही खूबसूरत है, बहुत बहुत ये धन्यवाद के पात्र हैं। तो डॉक्टर साहब ने एक बड़ी चीज़ कही कि आज किसान दिवस है, आज 23 दिसंबर है और चौधरी चरण सिंह री आज जयंती है 121वीं। चौधरी चरण सिंह पूर्व प्रधानमंत्री है भारत का और वे किसान रो बेटो प्रधानमंत्री पद तक पहुँचे हो, तो किसान दिवस के रूप में 23 दिसंबर को
जो है दिवस मनाइजे। तो डॉक्टर साहब का नॉलेज भी बहुत बढ़िया है और आ लोगों ने एक प्रेरणा लेनी चाहिए एक संस्कृति हूँ जुड़ाव किन तरीके हो सके। आ पूरी जगह थी मैं आठ देखने मिली, देखता रहो तेजल मीडिया। राम राम साहब।